इतना अभी बुखार नहीं, लेकिन है बुखार। नाइस। क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे कैसा बना? ये देख रहा हूँ पकड़ी गई। अच्छा तो गाइस, मैं आज आपको पानी पीने का तरीका बताती हूँ। एकदम बकवास। मैं इतने गुस्से में क्यों? ये जरा सोर Assalamualaikum everyone, this is Mehra Faisal and welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात नहीं हो रही है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बारिश होने वाली ऑलमोस्ट, तो कोई चकाचक किस्म का मौसम है। तो देखते हैं आज का दिन हम घर में क्या ऐसा एक्साइटिंग कर सकते हैं कि हम लोगों को थोड़ा मजा आए। तो आज तो वैसे थोड़ा बहुत बोर ही हो रहे हैं, तो अभी फातिमा और राबिया कहीं गई हुई है, जैसे ही वापस आते हैं तो हम प्लान बनाते हैं, कुछ समथिंग हैपनिंग करते हैं, तो साथ साथ दिखाती हूँ आपको। ओके, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मेरे ना कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, इन्हीं को ही खोल लेते हैं, बोर हो रहे हैं तो भाई अब हम अपने पार्सल्स खोलते हैं। थोड़ा आपको भी दिखा देती हूँ, भाई हम पार्सल्स खोल रहे हैं। अंदर राबिया जो है वो रेस्ट कर रही है, उसकी तबीयत ख़राब है। इधर अम्मा सो रही हैं। पार्सल्स बाद में दिखाती, पहले आपको दिखा दूँ राबिया की तबीयत ख़राब और राबिया मैडम की तबीयत ख़राब है। राबिया क्या करिए, आगे फ़ोन रखा हुआ है। हुआ क्या तुम्हें? कल शूट पे गई थी, गला ख़राब करवा के बुखार चढ़ा के आ गई है। सबने राबिया के लिए दुआ करनी है, ठीक है? इतना भी बुखार नहीं, लेकिन है बुखार ज़्यादा है। और यहाँ पे देख के आ रही हो तो मेरा सुल्तान, ओ माय गॉड, इतना पुराना ड्रामा और कोई इतना लंबा कोई किस्म का ड्रामा है ना कि बंदी की आधी उम्र निकल जाए सारे एपिसोड देखते देखते। पार्सल्स खोलते हैं। ओके गाइस, तो जब मेरे पास कुछ नहीं ना होता, जब मैं कभी बहुत बहुत बोर हो रही होती हूँ ना, तो मैं अपने ना पार्सल्स रख लेती हूँ अपने आगे और उसको अनबॉक्स करती हूँ। सब यही करते हैं, देखते हैं मुझे टूट ना जाए कुछ ऐसा, और देखते हैं क्या रिसीव हुआ। सबसे पहले हम इसको काटना शुरू करते हैं। चलो, ये पार्सल वाले इतनी टेप्स क्यों लगा देते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। ओके गाइस, तो इतने बड़े बॉक्स के बाद फिर ये निकला, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। यार इतनी इतनी पैकिंग की होती है कि पता नहीं क्या। फोटो फ्रेम है कोई, अरे इतनी कार्ड निकला है अंदर से, गिर ना जाए। कार्ड निकला है, दिस इज हिरा फैसल आवर क्वीन। अच्छा, मुझे लगा था ये कोई पीआर पैकेज है, बट ये फैन गिफ्ट है, तो देखते हैं क्या है इसमें। बाकी पी आई थिंक ये वाले पीआर पैकेजेस हैं। और मेरे पास इतने फ्रेम्स जमा हो गए, इतने फ्रेम्स जिसमें मेरी इतनी ज़्यादा तस्वीरें, समझ नहीं आती मैं रखूँ किधर। नाइस, ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की पिक्चर्स, लेकिन मेरे पास सच में इतनी ज़्यादा अपनी ऐसी पिक्चर्स हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आती मैंने रखूँ किधर। लगाना तो दूर की बात, रखूँ किधर? मेरी अम्मा कहती, मैं अपने रूम में लगाती हूँ तो मेरी बहनें कहती है सिर्फ तुम्हारी अकेली की क्यों लगेगी, हमारी भी तो लगेगी ना, तो मुझे वो कहीं लगाने ही नहीं देती है, तो मैं फिर इन्हें संभाल के रख लेती हूँ। बट आई लव दिस, जिसने भी भेजी है थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं बाकी क्या रिसीव हुआ है। गाइस, अब हम अपना अगला पैकेज खोल रहे हैं। आई थिंक ये पीआर पैकेज है, इसमें हमारे पास क्या है देख लेते। नाइस, ड्रेसेस आए हैं। इसमें से मामा आपके लिए मंगवाया था एक, कैसे तेरे ड्रेसेस हैं? इसमें से एक मैंने मामा के लिए मंगवाया था, आई थिंक दिस वन। मामा ये मैंने आपके लिए मंगवाया था मीडियम साइज में, कैसा लगा? छोटा नहीं है, खुला है, फुल ट्राउजर शर्ट है। ओके, सो एक और पार्सल था, ये थोड़ा वजनी लग रहा है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। मामा नाइट सूट से लगते हैं, आई थिंक वो इसमें होंगे। ये खोल लो। हाँ साइज, अगर आपको ये भी पूरा आता तो आप ये भी ले लेना, आपको कभी इनकार नहीं किया मैंने। अम्मा इसमें देखा, आई थिंक ये वाला भी आपको पूरा आ जाएगा। और मैंने एक तो स्पेशली आपके लिए मंगवाया था कि ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, नहीं भी है ये, आई थिंक इसमें है वो नाइट सूट। जो शॉपर है उसकी गिरा खोलने की बजाय मैं कार्ड देती हूँ, मेरे पास नहीं है इतना टाइम है। अभी मेरा दिल को भी कुछ होता है, हो तुमने एक टॉपर ज़ाया कर दिया, कोई बात नहीं। ये है, ओ ये लाइट सूट है मामा, आई थिंक ये मैंने सारे स्मॉल में मंगवाए हैं, पर ये आपको आ जाएंगे पूरे। अच्छा, आप भी तो दुबई में मज़े करिए, हम घर में सड़ रहे हैं, तो आज हम कुछ हैपनिंग करने वाले हैं। राबिया की तबीयत ख़राब है, फातिमा और जैनब आ लेना, तो देखना हम कुछ इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। ये फुल इन्जॉय इंशाल्लाह। यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और इस तरह के बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का दिल करता है, लेकिन वाह थोड़ा हम भीग ही जाते हैं बारिश में। वाह, विद नो हवा बारिश चल रही है, लेकिन चलें क्या कह सकते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन हमारा आज थोड़ा फुल मज़ा करने का मूड है, तो आज हम पकोड़े नहीं, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस।
तो बहने तो आ जाए मेरी, फिर करते हैं जो भी करना है। सो एक अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इतना अच्छा मौसम था कि आई कुडंट रिजिस्ट कि मैं पकौड़े बनाऊँ, तो पकौड़े के बजाय मैंने यहाँ पे रेडी किया पकौड़े वाला नान, जो कि लेफ्ट ओवर था नान, और मैंने उसके ऊपर पकौड़ों वाला इंग्रेडिएंट सारा कुछ लगा के अब हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे और इसके फाइनल चिकन आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अब अम्मा आई हैं मेरे बेसन वाले नान को छेड़ रही हैं, देख रही हैं ये क्या बना रही है, कैसे बना है, इसमें लगाया क्या खमीरी रोटी है, क्या हुआ है खमीर मामा? ये वो बेसन वाला नान नहीं होता, वो मेरा फेवरेट है। कोई मुझे कहे ना व्हाट्स योर कंफर्ट फूड, इतना घी अल्लाह। मम्मा पकौड़े खाने का दिल कर रहा था तो मैंने अड्डा पकौड़ा की पकौड़ा सारी फैमिली ने पूरा आएगा। नहीं जी मैं अकेली ही खाऊंगी, मैंने इसीलिए हाफ नान बनाया। ओके गाइस, सो जो हमारा बेसन पकौड़ा नान है वो रेडी हो चुका है, आप टेस्ट करना चाहेंगे कैसा बना? याद है छोटे होते ऐसा ही खाते थे, टेस्ट करें। अभी गर्म है, हंस क्यों रही है? ये लग रहा मेले से चीज़ ले। हाँ छोटे होते मेले से ऐसे मिलते थे, बट इट्स यम्मी और क्रंची क्रिस्पी, मुझे क्या ना और खा रही हूँ। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को, बल्कि मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। पकौड़े बनाने के बजाय आप नान पकौड़ा घर पर बना सकते हैं, थोड़ा सा अनहेल्दी होता है बट बहुत मज़े का होता है। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हम लोगों का आज प्लान बना है मूवी नाइट का, और राबिया और फातिमा वापस आ चुकी हैं घर। अम्मा मेरे साथ जा रही हैं क्या लेने? पॉपकॉर्न लेने, चीजियाँ लेने, क्योंकि मैंने देखा यार हम लोग मूवी नाइट कर रहे हो तो हमारे पास घर पे खाने के लिए चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें चाहिए वो लूँगी। ठीक है आप वो ले लेना, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक जा रहे हैं पॉपकॉर्न लेने, ताकि हम लोगों की मूवी में थोड़ा कुछ खा सके। और जैनब यहाँ पे रेडी हो, जैनब तुम इतना तैयार पॉपकॉर्न्स के लिए हो रही हो? यार मैं कुछ ग्रोसरी भी लेनी है। ग्रोसरी तुमने लेनी है, तुम्हें ग्रोसरी ने नहीं लेना जो तुम इतना रेडी होके जा रही हो। यार ये बंद कर दो, यार ये बंद कर दो, नहीं करोगी तो क्या कर लोगी? इतने दिनों बाद अपने घर से नहीं करोगी तो? हाँ इतने दिनों बाद अपने घर से निकल दी हूँ, ये वही बात है गरीब, जब यहाँ से सौदा लेने भी जाना तो ऐसे तैयार होके निकलता है जैसे पता नहीं किधर जा रहा है। तो चलो आज फिर मूवी नाइट का प्लान है, ठीक है? ओके, और हम क्या लेने जा रहे हैं? पॉपकॉर्न। ये मुझे लग रहा है जैनब आपके साथ मार्ट पे नहीं जा रही है, कहीं फैशन शॉप पे जा रही है मॉडलिंग करने। एग्जैक्टली, राबे की तबीयत मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि थोड़ी खराब है, लेकिन अब राबे फिर भी बेहतर होगी। अच्छा इसको ना बड़ी खुशी होती है, कोई कहे ना राबे तुम्हारी तबीयत में, हाँ तुम्हें बुखार है करेगी मतलब क्या सिंपैथी लेने का एक तरीका है तुम्हारा है। वैसे तो प्यार मिलता नहीं है, बीमार हो गई मिल जाता थोड़ा सा, वही सही है। तुम्हें नहीं मिलता प्यार? ओहो वैसे इसकी तबीयत खराब है तो हम इसको नहीं मारेंगे। आपने सब ने राबिया के लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआ करनी है, मुझे भी दुआ में याद रखना है। आज है मूवी डे, ये तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो वही सारे जो हमारे बंदे हैं वो पूरे हो चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं, सो लेट्स गो। राबिया घर, राबिया घर है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। चीजें जो मैं कहूंगी वो लेनी, मैं खुद लेके दूं। मामा आपकी मर्जी के बगैर पहले भी हमने कुछ लिया है, नहीं ना नाइट करनी है, बहुत सारी चिप्स लेनी है ताकि साथ साथ खाऊं। ये इस फ्लैट को साथ लेके जा रहे हैं कि वो चीजें लेनी, ये कार्ड खाली कराएगी। चले कोई बात नहीं, छोटे बहन भाइयों का यही तो होता है, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये मैडम, चलो चलो लेट्स गो। मैंने वैसे तुम लोगों को सिर्फ पॉपकॉर्न की इजाजत दी थी, इसके साथ छोटा पैकेट, ये बॉक्स आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है। मम्मा भी मिल गई है, ये भी मिल गई है, पहले 5 का था 20 रुपए का हो गया, चूना लग रहा है हमें। अच्छा वैसे कोई बात नहीं, ये देखना जरा भरती जा रही है, कोई बात नहीं भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, आज मैंने नहीं रोकने वाली। अच्छा ये भी ले लें, ये देखना जरा जरा पकड़ी हुई है वैसे तो। ये क्या बदतमीजी कर रही है जैनब, ये बदतमीजी जैनब कर रही है मेरे साथ। मैंने एक इंस्टाग्राम में मीम रखी थी कि जब भी आप मामा के साथ शॉपिंग करने आते हैं ना आपके पीछे लगती रहती है। मुझे इतनी जोर से पांव पे लगा है मामा, ये हेल्दी हेल्दी का चुना ना इधर से निकालो और देखना मम्मा मम्मा का एक ही अड्डा है। अच्छा ले लिए ना, मैं मम्मा का एक ही अड्डा कॉफी अड्डा, गोल्ड वाली ले लो थोड़ी लाइट होती है। मूवी नाइट पे क्या खाना है? तुमने सब कुछ इधर ही खाई पी जा रही हो हैं? मम्मी आपको नहीं लगी, आपने तो पी ली है। चलो नीचे चले, चीजें वगैरह ले चुकी हैं, अब जाना कोई मूवी डिसाइड कर लो जो देखनी है घर जाके। ओके अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर और सारी चीजें निकालो अंदर से, जल्दी मूवी के लिए लेट हो रहे हैं हम, जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं कहाँ के चक्कर आ रहे हैं जैनब,
चीजें लेनी हो फुल। हाँ तब इसके चक्कर वक्कर सब गायब हो जाते हैं, तब हमें चक्कर दे रही होती है। ठीक है अब जब चीजें ले ली है तो इसको चक्कर आ रहे हैं। मुझे आ रहे थे ले मैं इसलिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेना। ऐसा करना तुम मूवी ना देखना, तुम सामान रख के सोने चली जाओ। ठीक है रखो ना, आई हैव टू पार्क द कार। ओके गाइस तो पापा चले गए सोने, हम लोग अपनी चीजें ले आए और यहाँ पे फातिमा खड़ी। फातिमा कोई अच्छी सी मूवी सिलेक्ट करो जाके ऊपर। ओके तुम ज़ैनब पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बनाते हो। गाइस मैं आज आपको पानी पीने का तरीका बताती हूँ। ऐसे ग्लास उठाना है, ये बताया कि पानी पीने का तरीका। ऐसी ऐसी मजीद रेसिपीज के लिए इस तरह की बोंगी रेसिपीज के लिए फातिमा को फॉलो करें। और यहाँ पर ज़ैनब सारी प्लेट में नैचोज पॉपकॉर्न एवरीथिंग तुम बना के लेके आओगी। ठीक है यार बताओ कौन सी मूवी देखनी है। गाइस मैंने बवाल फिल्म देखी थी, वो मत देखना। मेरा तो 2.5 घंटे जाया हो गए फजूल। मुझे समझ नहीं आती इतने बड़े बड़े एक्टर्स इतनी बोंगी स्क्रिप्ट वाली फिल्म्स क्यों उठा लेते हैं। बोंगी थी इसने बहुत बोंगी। वरुण धवन ने अक्टूबर भी मैंने इसकी देखी और इतनी गंदे बवाल भी, अजीब सी थी बस। ऐसे लगा मैं वर्ल्ड वॉर 2 से होके आ रही हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे इसके 2-3 डायलॉग्स देखे जो वायरल हो रहे थे। मैंने भी एक वरुण धवन का और एक जानवी का। मैंने देखे फिल्म देख ली, मैंने कहा बड़ी अच्छी फिल्म होगी लेकिन घटिया सर ना। वो जंगों में यूं का था, जंग में आ जाता यूं का जाता एकदम बकवास। बवाल थी एक घटिया बकवास। इसलिए आप मत देखिएगा जल्दी लेके आओ। ज़ैनब पॉपकॉर्न की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है हाँ आज जो लेके आना सारा आज ही खा लेना। ठीक है हाँ ज़ैनब इतने सलीके से ये एक हाथ की मार है और ये हम अभी पॉपकॉर्न बनाने लगे हैं घर में। अरे ब्रो ये हमारा स्टाइल है, यहाँ सारी नमकीन चीजें होंगी। ठीक है और यहाँ पे ज़ैनब का सर होगा। यही तो टाइम होता है ये हरकतें करने का। ये मैं स्पेशल डिश बना रही हूँ, इसके अंदर लगा रहे हैं न्यूट्रेला चॉकलेट, जम गई है बिल्कुल, क्रीमी नहीं है तो ये लगा के हम खाएंगे। चलो एक बना के ले आना ऊपर। ठीक है राबिया ऊपर देखने नहीं, ऊपर बड़ी वाली स्क्रीन है तो ऊपर देखेंगे आज हम। तो फातिमा हम लोग फैमिली मैन सीजन देखते हैं, वो अच्छा है। दी फैमिली मैन प्राइम पे है, दी फैमिली मैन सीजन बहुत अच्छा है। थोड़ा लोगों ने बहुत पहले देख लिया बट जिन्होंने नहीं देखा इट्स हाईली रिकमेंडेड, अच्छा है काफ़ी। तो अभी वही लगाएंगे, तो तुम सेटअप करो नीचे उनको पॉपकॉर्न। तुम्हें मैंने कौन से पहाड़ तोड़ने को कह दिए हैं, ये क्या बात है लोगों ने। चलो ये लोग चला रहे हैं, पापा बंद करके गए हैं। रिमोट किधर है ये लो। तो भाई हमने मूवी रोक दी है उन लोगों के लिए। क्या हुआ है नीचे। मम्मा इतने गुस्से में क्यों हो, ये किस चीज की स्मेल है, क्या हुआ है। तुझे नहीं पता तो उसे कह रही है अभी जिसका दिमाग है ना पॉपकॉर्न। ज़ैनब मैं तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी लगा के गई थी, मुझे टाइम ही नहीं था। इधर आके देखो देखो ये आग लग सकती थी, गंदी बदबू आ रही है घर में सारे, आ रही है आग लग सकती थी। मतलब ये जरा सा और फट सकता था हमारे थी ना मेरी गलती कैसे है। मेरी तो नहीं है, मैंने तो तुम्हें बोला था कि 3 मिनट पे लगाना है। इसको फेंक के पूरे घर में धुआं हो गया, जल्दी जा। माय गॉड मम्मा वैसे ही मेरी गलती नहीं है, चिड़िया खा लेंगे तेरे मेहमान जाने। ज़ैनब वैसे ही सारी तुम्हारी कारस्तानी है, जरा मुझे पॉपकॉर्न। बदतमीज हंस रही है, ओ माई गॉड सारे जल गए, किसी काम के नहीं है वैसे ये। मम्मा अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, मुझे डांट रही है आप। अच्छा मूवी नाइट भी मैंने होस्ट की और गालियां भी मुझे ही पड़ रही है। लेकिन चलो बाहर फेंक के आते हैं, चिड़िया को भी खा लेंगे बेचारे ये। आइंदा के बाद तो मेरे को पार्टी नहीं रखनी। कैमरा नीचे रखो, ये नीचे रखो। ये है आज से हमारी निंजा प्रो टेक्निक। If you don't have space, use your head. So I'm using my head. किधर फेंको, मेरे पीछे कुत्ते हैं लग गए। चलो गाइस आज आप लोग मूवी पार्टी कर लो। ठीक है डोगियो आज आप लोग मूवी पार्टी करो। डर लगे देखना जरा इन औरतों ने मेरे बगैर मूवी लगा लिया तुम लोगों ने। कंटिन्यू करो इतना तो तुम लंगर ले गई हो, ये खाना किसने।
वैसे मैंने अभी खाना नहीं खाया। ज़ैनब की मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, उसने बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा है। पता नहीं कौन सी उन्होंने मूवी लगा ली है और मैं स्नैक्स पर टूटने लगी हूँ। ये भी मूवी देख रही है, वो भी देख रही है, वो फोन में घुस गई है। ये एक्सट्रैक्शन है, हम एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। सो लास्ट पे मूवी का रिव्यू दूँगी। देखना ज़रा, मूवी कम और खाने थूसने ज़्यादा आई है। पॉपकॉर्न जलाने के बाद लगी हुई, अब नियम नियम करके खाने बहुत मज़े के हैं। ये रेड वाले हैं। ओके गाइस, जो हमारी मूवी थी वो ख़त्म हो चुकी है। रात के 3:30 बज गए थे। अब मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी का रिव्यू दे रही हूँ। तो if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Plus, but don't forget to click the bell icon. I will be right back with another video.